हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर पी एम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि 2023 यानी प्रीवियस ईयर का पेपर है, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ एंटमोलॉजी फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, इसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल हमने 75 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन वहाँ पर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, अनिषेक जनन जिसके द्वारा केवल नर उत्पन्न होते हैं कहलाता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा सिर्फ इसमें नर उत्पन्न होते हैं, यानी मेल इंसेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ड्यूटेरोटोकी, अरहेनोटोकी, थेलीटोकी और एम्फीटोकी। तो जो अरहेनोटोकी होती है, इसमें सिर्फ इसके नर इंसेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगर हम बात करें ड्यूटेरोटोकी की, तो ड्यूटेरोटोकी में मेल एंड फीमेल जो होते हैं डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज एग सेल से, तो उसको हम ड्यूटेरोटोकी बोलते हैं। और थेलीटोकी क्या होता है, इसमें ऑल फीमेल डेवलप होते हैं, जैसे एफिड्स में उदाहरण के तौर पर। तो ये आपका थेलीटोकी होगा, ये पार्थेनोजेनेसिस का ही टाइप है। और एम्फीटोकी, एम्फीटोकी में क्या होता है, इसमें मेल या फिर फीमेल में से कोई उत्पन्न हो सकता है अनफर्टिलाइज एग से, तो उसको हम एम्फीटोकी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों में रक्त का बहाव होता है, जो कि ऑप्शन है इन ब्लड ट्यूब, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, नॉन ऑफ दैव। तो जो कीटों में रक्त का बहाव होता है, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ओपन टाइप का पाया जाता है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की कोई धमनी एवं सिराएं नहीं होती हैं जिसमें रक्त बहे, तो ये ओपन टाइप में बहता है, जो कि शरीर की जो गुहा होती है उसमें पाया जाता है। अब इसके शरीर की गुहा को हम हीमोसील कहते हैं, हीमोसील के नाम से जानते हैं, और उसी हीमोसील में इनका रक्त भरा रहता है, जिसको हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से, कीटों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, यानी कीटों में जो अंडाशय ओवरीज होती हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। तो इसमें जो अंडाशय या ओवरीज की संख्या होती हैं वो 2 होती हैं, यानी 1 pairs इसमें अंडाशय पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओविडक्ट भी 1 pairs होती हैं। इसके अलावा स्पर्मैथिका, वजाइना और जेनाइटल चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे यहाँ पर इनके पार्ट भी पूछ लेता है, कौन किस्में का पाया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना ओविडक्ट है, जो कि 1 pairs होती हैं, स्पर्मैथिका है, वजाइना है और जेनाइटल चैम्बर इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों में श्वसन के लिए कितने जोड़ी श्वास रंध्र उपस्थित होते हैं। तो जो कीट होते हैं उसमें श्वास रंध्र की बात करें, तो यहाँ पर ऑप्शन है 10, 11, 9, 10 और 8। तो कीटों में श्वसन के लिए जो श्वास रंध्र होते हैं वो 10 जोड़ी पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जो श्वसन तंत्र होते हैं उसको होलोपिनिस्टिक टाइप का बोलते हैं, जिसमें 2 होते हैं थोरिक्स रीजन में, जिसमें आपका मेजो और मेटाथोरिक्स में पाए जाते हैं, और 8 pairs होते हैं एब्डोमेन रीजन में पाए जाते हैं। तो टोटल 10 जोड़ी यहाँ पर जो स्पायरिकल्स यानी श्वास रंध्र होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के जो ट्रेकियल सिस्टम होता है उसको होलोपिनिस्टिक टाइप का बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलीय कीटों में किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन है गिल्स, ट्रेकिया, स्पायरिकल्स और साइफॉन। तो जो जलीय कीट होते हैं उसमें गिल्स पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार की श्वसन प्रणाली में सभी प्रकार के श्वसन छिद्र बंद रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पॉलीपनिस्टिक, ओलिगोपनिस्टिक, एपनिस्टिक और हाइपोपनिस्टिक। तो यहाँ पर जो श्वसन छिद्र सभी प्रकार के जो श्वसन छिद्र बंद रहते हैं, तो वो एपनिस्टिक टाइप के ट्रेकियल सिस्टम में बंद होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलीपनिस्टिक किसे बोलते हैं, तो इसमें कम से कम
आठ पेयर्स जो स्पाइरकल्स होते हैं वो आपके फंक्शनल होते हैं। तो इस प्रकार का अगर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है या रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है तो उसको हम पॉलीपिनिस्टिक टाइप का ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। वहीं पर जो ओलिगोपिनिस्टिक की बात करता है तो ओलिगोपिनिस्टिक में एक या फिर दो जो पेयर्स फंक्शनल स्पाइरकल्स होंगे तब इस प्रकार के ट्रेकियल सिस्टम को या रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम ओलिगोपिनिस्टिक टाइप का कहते हैं। इसके अलावा जो हाइपोपिनिस्टिक होता है इसमें सात पेयर्स तक फंक्शनल होते हैं तो उस टाइप के यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम को हम हाइपोपिनिस्टिक टाइप का कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्वसन नलिका प्रणाली किसमें अनुपस्थित होती है। तो जो श्वसन नलिका प्रणाली है किसमें अब्सेंट पाई जाती है, तो ऑप्शन है इसके लिए कोलेम्बोला, डिप्टेरा, आइसोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। तो जो कोलेम्बोला इंसेक्ट्स होते हैं उसमें श्वसन नलिका प्रणाली अनुपस्थित होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला है हेमाटोफेगस किसका स्वभाव है, तो यहाँ पर ऑप्शन है माइट, बेड बग, प्लांट बग और एफिड्स। हेमाटोफेगस यानी जो खून चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं यानी जो खून का भक्षण करते हैं, तो इसमें जो बेड बग यानी जिसको आप खटमल कहते हैं तो वो ऑप्शन में बी नंबर सही होगा, जो कि खून चूसता है यानी हेमाटोफेगस स्वभाव का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तितलियाँ सम्मिलित हैं यानी तितलियाँ किस फैमिली में आती हैं। ऑप्शन है स्फिंजिडी, पैप्लियोनिडी, पेरिडी और नॉक्टिडी। तो जो तितलियाँ होती हैं वो आपके पैप्लियोनिडी में आती हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब यहाँ पर आपके जैसे कुछ अलग प्रकार की अगर तितलियाँ दे देता है, जैसे जो आपके पैप्लियोनिडी होती हैं इसमें बड़े आकार की काली पीली लाल हरी रंग बिरंगी रंग की जो तितलियाँ आती हैं, अगर वहीं पर आपके जो पीरिडी है ये भी तितलियों का ही यहाँ पर फैमिली है, तो इसमें मध्यम आकार की रंग में श्वेत या पीली या फिर काले रंग की तितलियाँ आती हैं इस पेरिडी में। तो इसमें जो अगर पेप्लियोनिडी है अगर एग्जांपल पूछता तो यहाँ पर नींबू की जो तितली होती है इसमें आती है, कई सारे इसमें जो रंग बिरंगी तितलियाँ हैं वो सब इसी में आती है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाए पेप्लियोनिडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मधुमक्खियों में पराग एकत्रीकरण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर फोर लेग, हाइंड लेग, मिड लेग, बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो मधुमक्खियों में पराग एकत्रित करने वाली जो टांगें होती हैं वो हाइंड लेग वाली यानी जो मेटाथोरिक्स पर पाई जाने वाली टांगें होती हैं वही इसमें रूपांतरित होती हैं। इस प्रकार की हम टांगों को फोराजियल या फिर इसको हम पॉलिन कलेक्टिंग टाइप की टांगे या लेग्स भी इसको हम कहते हैं, तो ये मधुमक्खी में पाई जाती हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पॉलिन बास्केट बनती हैं या फिर जिसको हम कार्बिकुला भी कहते हैं, ये आपके टीबिया वाले भाग पर पाए जाते हैं। आपने लेग्स के पार्ट पढ़े होंगे जिसमें कोक्सा है, ट्रोकेंटर है, दूसरा पार्ट ट्रोकेंटर, फिर इसके बाद फीमर पाया जाता है, फीमर के बाद फिर टीबिया होता है, टीबिया के बाद फिर टार्सस पाया जाता है, टार्सस के बाद फिर प्रीटार्सस। तो जो इसमें चौथा पार्ट होता है टीबिया, इसी पर छोटे रोमदार संरचनाएं होती हैं जिसको हम पोलन बास्केट या फिर कॉर्बिकुला के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों यहाँ पर कीटों का कौन सा ऐसा सामाजिक कीट है यहाँ पर, तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रास हॉपर, टर्माइट, कटवार में और एफिड। इसमें कौन सा सामाजिक कीट है इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपका टर्माइट या दीमक जो कि सामाजिक कीट होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं, अब किस बार टर्माइट दिया है, इस बार आपका कुछ और दे सकता है, तो आपके जो सामाजिक कीट के उदाहरण हैं जिसमें हनी बी भी यानी मधुमक्खी भी होती है और वैस्प यानी जो बर्र होती है, आंट जो चीटियां होती हैं, ये सभी यहाँ पर आपके सामाजिक कीट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डंक पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर वैस्प, आंट्स और हनी बी, ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें यहाँ पर डंक पाया जाता है, तो इसमें सभी में डंक देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
किस कीट गण में इलिट्रा पाया जाता है? ऑप्शन है ओडोनाटा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा। किसमें यहाँ पर इलिट्रा पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, कोलियोप्टेरा में इलिप्टा जो इलिट्रा होते हैं ये पाए जाते हैं। और ये जो कोलियोप्टेरा अगर पूछ ले आपका सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा होता है आपके इंसेक्ट जो क्लास है, तो इसमें आपका कोलियोप्टेरा होता है। इसमें जो इलिट्रा क्या है, इसमें जो फोर विंग्स यानी जो अगले पंख होते हैं वो लेदरी टाइप के होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उसको हम इलिट्रा टाइप के बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कोलियोप्टेरा। इसके अलावा जो ओडोनाटा होता है इसमें नोडस विंग्स होते हैं और इसके ऊपर टेरोस्टिग्मा प्रेजेंट होता है इसके पंख के ऊपर। इसके अलावा डिप्टेरा में आपके हाल्टर्स या बैलेंसर आर्गन पाए जाते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, हाल्टर्स या फिर जो बैलेंसर आर्गन्स होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? तो हाल्टर्स जो होते हैं डिप्टेरा यानी जो हाउस फ्लाई होती हैं उसमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो हाइंड विंग्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और यहाँ पर एक पतले तंतुमय नुमा में प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको हम बैलेंसर आर्गन या फिर हाल्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन के रूप में आप हाउस फ्लाई भी याद रखना, डिप्टेरा में आता है जो कि इसमें हाल्टर्स पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अपोजिशन आँखें पाई जाती हैं, तो ऑप्शन है मॉथ, नक्टरल इंसेक्ट, डाइयूर्नल इंसेक्ट या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो अपोजिशन आँखें होती हैं ये डाइयूर्नल इंसेक्ट्स में यानी जो दिनचर इंसेक्ट्स होते हैं उसमें पाई जाती है, तो इससे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद कीटों में किशोर हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स, प्रोटोसेरेब्रम, कार्पोरा इलाटा और कार्पोरा कार्डियका। तो जो यहाँ पर किशोर हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि होती है उसको हम कार्पोरा इलाटा के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके अलावा जो आपके प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स होती हैं ये इग्डिसोन हार्मोन्स को उत्सर्जित करती हैं। इसके अलावा जो प्रोटोसेरेब्रम, ये प्रोटोसेरेब्रम क्या होता है, इसमें जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिसके द्वारा ब्रेन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है, इस ब्रेन हार्मोन्स को हम एक्टिवेशन हार्मोन्स भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कार्पोरा कार्डियका, ये जो कार्पोरा कार्डियका होता है इसके द्वारा ब्रेन हार्मोन्स जो कि प्रोटोसेरेब्रम में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा उत्सर्जित होता है उसको ये क्या करती हैं, स्टोरेज करने का कार्य करती हैं और इसको रिलीज करने का भी कार्य करती हैं। किसके द्वारा? कार्पोरा कार्डियका के द्वारा किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था आपका, कार्पोरा इलाटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैल पीगिन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो यानी जो मैल पीगिन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये किसमें अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर प्लांट बग, लीफ हॉपर, एफिड्स और हनी बी। तो इसमें जो यहाँ पर मैल पीगिन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एफिड्स में अनुपस्थित होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो मैल पीगिन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाई जाती हैं यानी उत्सर्जी अंग के रूप में होती हैं जो कि एफिड्स में नहीं पाई जाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा है, यानी आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है उसमें कौन शर्करा पाई जाती है, कौन शुगर पाई जाती है? ऑप्शन है माल्टोस, सुक्रोज, ट्रेहलोज और फ्रक्टोज। तो इसमें जो पॉलीसेकेराइड्स की अधिकता होती है जिसमें से ट्रेहलोज जो शुगर्स होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अधिकतर कीटों में उत्सर्जन की क्रिया हेतु तो प्रमुख अंग है? ऑप्शन है क्यूटिकल, लेबियल ग्लैंड्स, माइल पीगियन टेबुल्स और फैट बॉडीज। तो अधिकतर जो कीटों में उत्सर्जन क्रिया का कार्य किया जाता है वो माइल पीगियन टेबुल्स के द्वारा किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बाकी होता है यहाँ पर आपके क्यूटिकल से भी है, फैट बॉडीज से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो माइल पीगियन टेबुल्स के द्वारा होता है, तो यही प्रमुख अंग उत्सर्जन के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा गंध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन है यहाँ पर एफिड्स है, मिली बग है, वाटर बग और गंधी बग।
तो जो गंध ग्रंथियाँ होंगी वो नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर गंधी भग में देखने को मिलती हैं, जिसको हम जो कि ध्यान में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों में हाइंड गट का कार्य है, कीटों में जो हाइंड गट है वो क्या कार्य करता है। ऑप्शन है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेशन, रिसाइकिलिंग और एब्जॉर्प्शन। तो जो हाइंड गट होते हैं कीटों में वो रिसाइकिलिंग का कार्य करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एब्जॉर्प्शन वगैरह है तो वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो ये आपके मिड गट में होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कीटों के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कहलाता है। ऑप्शन है इन्वर्टेस, लाइपेस, एमाइलेस और पेप्टिडेस। तो कीटों में जो कीटों की लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमाइलेस कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। पैरामीयर्स उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है मेल ग्रास हॉपर, फीमेल ग्रास हॉपर, फीमेल बीटल्स और नानाब्देस। तो जो पैरामीयर्स होते हैं वो मेल ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं, जो कि जेनाइटल ऑर्गन, जो इसमें मेल जेनाइटेरिया होता है उसका एक भाग होता है पैरामीयर्स, जो कि मेल ग्रास हॉपर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्रृंगिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, यानी जो एंटनी होती हैं किसमें अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन है ऑर्थोप्टेरा, डिप्टेरा, आइसोप्टेरा और प्रोट्यूरा। तो इसमें जो श्रृंगिकाएँ अनुपस्थित होती हैं वो प्रोट्यूरा में अनुपस्थित पाई जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों में चबाने एवं चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो जिसमें चीविंग एंड लैपिंग टाइप जो माउथ पार्ट्स होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्थोप्टेरा, हाइमनोप्टेरा, डिप्टेरा और आइसोप्टेरा। तो जो यहाँ पर चीविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं वो बी एंड वेस्प जो में देखने को मिलते हैं, जो कि हाइमनोप्टेरा में आते हैं ऑर्डर में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो विभिन्न टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं इंसेक्ट में, आपको ध्यान रखना है, जैसे बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का अगर पूछता है तो इसमें आपके आर्थोप्टेरा वाले जो इंसेक्ट हैं, इसके अलावा आइसोप्टेरा है, कोलियोप्टेरान कुछ इंसेक्ट हैं। अगर आपको वहाँ पर एग्जांपल दे देता, जैसे ग्रास हॉपर है, लोकस्ट है, क्रिकेट है, टर्माइट्स और बीटल्स हैं, तो इन सब में क्या होता है जो इंसेक्ट में माउथ पार्ट पाए जाते हैं बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं तो वो किस में पाए जाते हैं, तो इसमें एक तो बग में होंगे और दूसरा मॉस्किटो और जो फ्लाइज होती हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा एफिड्स हैं, जैसिड हैं और वाइट फ्लाई हैं, तो इन सब में भी और लीफ हॉपर्स में, इसमें सब में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछ ले कभी स्पॉन्जिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो स्पॉन्जिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो हाउस फ्लाई यानी डिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके साइफनिंग टाइप के अगर पूछ ले कभी तो वो बटरफ्लाई और मॉथ में पाए जाते हैं साइफनिंग टाइप के। इसके अलावा जो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, कभी कभी एसिमेट्रिकल टाइप का माउथ पार्ट पूछ लेते हैं तो वो बेसिकली थ्रिप्स में पाए जाते हैं, तो इसको भी अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों के मुखांग का निचला होंठ कहलाता है। ऑप्शन है लैब्रम, मैक्सिली, लैबियम, हाइपोफायरिंग्स। तो जो कीटों का मुखांग होता है उसमें निचले होंठ को हम लैबियम कहते हैं और ऊपरी होंठ को हम लैब्रम कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, लैबियम। इसके अलावा इसमें लैब्रम पाया जाता है सबसे ऊपर, उसके बाद फिर ऊपरी होंठ, फिर उसके बाद दोनों साइड में यहाँ पर उसके जस्ट पीछे मैंडिबल्स यानी जबड़े इसमें प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, उसके बाद फिर मैक्सिली मैंडिबल्स के पीछे पाई जाती हैं, उसके बाद फिर बीच में वहाँ पर हाइपोफायरिंग्स देखने को मिलती है और लास्ट में लेबियम यानी निचले होंठ पाए जाते हैं। तो ये इनके माउथ पार्ट में विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में पैल्पीफर पाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मैंडिबल्स है, लेबियम है, मैक्सिली है और हाइपोफायरिंग्स है।
तो इसमें यहाँ पर जो पैल्पिफर होता है वो किसमें पाया जाता था? ऑप्शन में यहाँ पर सी यानी मैक्सिली होती हैं जिसमें पैल्पिफर देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर कभी पूछ ले कि पल्पिजर किसमें पाया जाता है, तो जो पल्पिजर होता है वो लेबियम में देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर दोनों को ध्यान में रखना, पैल्पिफर मैक्सिली में है और पल्पिजर जो कि लेबियम में पाया जाता है। जहाँ पर लेबियल पल्प जुड़े होते हैं उस स्थान को हम पल्पी जर के नाम से बोलते हैं, और जहाँ पर मैक्सिलरी पल्प जुड़े होते हैं उस स्थान को हम पल्पी फर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साइफनाकार मुखांग किसमें पाए जाते हैं? तो अभी हमने बताया था जो साइफनाकार मुखांग होते हैं वो बटरफ्लाई और मौत दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रोवेंट्रिकुलस किसका अंग है? तो प्रोवेंट्रिकुलस किसका अंग है? प्रोवेंट्रिकुलस को हम गिजार्ड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम, पहला एक तो गिजार्ड के नाम से जानते हैं और इसकी को हम प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो इसमें जो फोरगट होता है यानी अग्र जो नलिका होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर गिजार्ड पाया जाता है जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों में भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन है यहाँ पर गिजार्ड, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो भोजन का जो पाचन होता है यानी, तो वो पाया जाता है यहाँ पर स्टमक में, स्टमक को हम मिडगट के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गिजार्ड में क्या होता है, भोजन की पिसाई होती है, और फोरगट में अगर पूछा जाए तो फोरगट में यहाँ पर भोजन का जो स्टोरेज होता है वो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टिड्डे की आहार नाल कितने भागों में बटी होती है? ऑप्शन है एक, दो, तीन और चार। तो जो टिड्डे की आहार नाल होती है वो तीन भागों में बटी होती है, एक तो होती है फोरगट, अभी हमने इससे पहले फोरगट यानी अग्र नलिका प्रणाली, दूसरी होती है मिडगट, फिर उसके बाद होता है हाइंडगट, तीन पार्ट पाए जाते हैं। अब जो फोरगट होता है, कभी पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो स्टोमोडियम के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अलावा जो मिडगट होता है इसको हम स्टमक या फिर वेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं, और जो हाइंडगट होता है इसको हम प्रोक्टोडियम के नाम से जानते हैं। अब अगर पूछता हाइंडगट किसकी ओरिजिन है, तो ये इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, मिडगट जो होती है वो इंडोडर्मल ओरिजिन होती है, और जो हाइंडगट होती है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछता है कि फोरगट में क्या होता है, तो इसमें फोर जो भोजन होता है उसको स्टोरेज करने का कार्य किया जाता है, और भोजन का इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण भी किया जाता है। इसके अलावा जो मिडगट होता है यहाँ पर सेक्रेशन होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम का, जिसके कारण से यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद जो भोजन का एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण होता है वो भी इस यहीं पर किया जाता है। और रही बात हाइंडगट की, तो यहाँ पर भोजन का जो रीअब्जॉर्बेशन यानी जो रिसाइकिलिंग का कार्य है वो हाइंडगट में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों में दो निर्मोचन के बीच के समय को कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है एपोलाइसिस, इमैगो, इनस्टार और स्टेडियम। तो कीटों में जो दो निर्मोचन का समय होता है उसे हम इनस्टार के नाम से जानते हैं, तो इसमें स्टेडियम के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। एपोलाइसिस क्या होता है, इसमें जो पुरानी क्यूटिकल्स होती है उसको इपीडर्मिस से अलग होने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम एपोलाइसिस बोलते हैं। और जो इन स्टार होता है, इन स्टार क्या होता है, जो निर्मोचन के बीच की कीट की अवस्था होती है, यानी जब दो निर्मोचन के बीच के, एक तो पहला निर्मोचन और दूसरा, इस बीच जो कीट की अवस्था पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन स्टार के नाम से जानते हैं। अगर पूछ ले कभी दो निर्मोचन के बीच के जो कीट की अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, तो वो इन स्टार होगा। यहाँ पर समय पूछा है आपसे, तो वो स्टेडियम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
आर्थ्रोपोड्स में वृद्धि इनमें से किस विधि द्वारा होती है? ऑप्शन है इनकी जो वृद्धि यानी ये अपनी वृद्धि करेंगे तो इसके द्वारा करेंगे। ऑप्शन माइटोसिस, ओनली मोल्टिंग, ओनली डाइसिस, बोथ एक डाइसिस एंड मोल्टिंग। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक डाइसिस और मोल्टिंग दोनों के द्वारा यहाँ पर इंसेक्ट वृद्धि करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंगिका के सभी अंगों के किनारे आरी के दांत जैसे होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है लैमिलेट, सेरेट, पेक्टिनेट और प्लूमोस। तो इसमें जो आरी के दांत के समान जो यहाँ पर अंग होते हैं श्रृंगिका में, तो वो सेरेट टाइप में यानी पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में दंताकार एंटनी या श्रृंगिका के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये जो सेरेट टाइप की एंटनी है, अगर पूछ ले किस में पाई जाती है, तो ये कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं, जिसमें मुख्य रूप से पल्स बीटल आपको ध्यान में रखना है, ये पल्स बीटल्स में देखने को मिलती हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर लैमिलेट, लैमिलेट टाइप की एंटनी क्या होती हैं अगर पूछ ले कभी, तो इसमें ये जो लैमिलेट टाइप की एंटनी होती हैं, ये घुंडीदार जो एंटनी होती हैं उनका ही एक रूपांतरण होता है यानी मॉडिफिकेशन होता है। इसमें अंतिम खंड में क्या होता है, घुंडी ना बन करके वहाँ पर पत्ते के आकार की संरचना पाई जाती है, तो इसको हम लैमिलेट टाइप की एंटनी बोलते हैं। और ये जो लैमिलेट टाइप की एंटनी होती है स्कैराबिड बीटल्स में पाई जाती है, स्कैराबिड बीटल्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो पेक्टिनेट होती है, पेक्टिनेट टाइप के जो एंटनी होती है, ये आपके लेप्टोप्टेरा के जो मौत होते हैं उसमें देखने को मिलती है। इसके अगर एग्जांपल में बात करें तो शुगर केन जो रूट बोरर होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। यानी इसमें एक किनारे पर क्या होता है, एंटनी में कंघे जैसे प्रवर्धन निकले रहते हैं, जिसको हम कंघाकार एंटनी के नाम से भी जानते हैं। और जो प्लूमोस टाइप की एंटनी होती हैं, इसमें रोमदार संरचनाएं पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो एंटनी होती हैं, ये बेसिकली पाई जाती हैं उसमें आपके जो मच्छर होते हैं, मेल मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, उसमें देखने को मिलती हैं प्लूमोस टाइप की। तो इसमें यहाँ पर आपको प्लूमोस टाइप को भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित श्रृंगिका में किस में एरिस्टा पाया जाता है? तो ऑप्शन है जेनिकुलेट, बाईपेक्टिनेट, एरिस्टेट और कैपिटेट। तो इसमें जो श्रृंगिका में एरिस्टा होता है, वो एरिस्टेट टाइप के एंटनी में पाया जाता है, नाम से यहाँ पर स्पष्ट है। इसमें एक बहुत बड़ा और काफ़ी हार्ड बाल होता है, उसी को हम एरिस्टा के नाम से जानते हैं, जो कि हाउस फ्लाई में देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर एग्जाम्पल भी पूछ लेता है एरिस्टेट टाइप के एंटनी, तो वो हाउस फ्लाई में पाई जाती हैं, जिसमें एक कड़ा बाल पाया जाता है, जिसे हम एरिस्टा के नाम से जानते हैं, और इसलिए इसको हम एरिस्टेट टाइप की एंटनी कहते हैं। अगर कभी पूछ ले जेनिकुलेट टाइप की एंटनी किस में पाई जाती है, जो हाउस हनी भी होती हैं यानी मधुमक्खी होती हैं, उसमें जेनिकुलेट टाइप की होती हैं, और जो बाईपेक्टिनेट यानी द्विकंघाकार जो एंटनी होती हैं, वो सिल्क मौत में पाई जाती हैं, आपको सिल्क मौत को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो कैपिटेट टाइप की एंटनी होती हैं, ये निक्रोबिया में पाई जाती हैं, निक्रोबिया में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों में पाई जाने वाली श्रृंगिका का मध्य अंग कहलाता है? ऑप्शन है एनुलाई, पेडिसल, स्कैप और फ्लैजिलम। तो जो कीट होते हैं, इसमें श्रृंगिका में जो मध्य अंग होता है उसे क्या कहते हैं? तो श्रृंगिका में आपको ध्यान में रखना है तीन अंग होते हैं, जो इसमें बेसल या आधारी भाग होता है, जिसको हम स्कैप के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो एक खंडी ही भाग होता है जो कि इससे बड़ा होता है, जिस पर जो हेस्टन आर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम पेडिसेल के नाम से जानते हैं, उसको हम पेडिसेल कहते हैं। और जो तीसरा बहुखंडी भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। तो इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं मुख्यतः, तो इसमें इसके पहला हो गया आधारी भाग और दूसरा पेडिसेल। तो इसमें जो मध्य का पूछा है यानी पेडिसेल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर पूछ ले जो हैंसन आर्गन या जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं, वो किस अंग किस भाग पर पाए जाते हैं, तो वो भी किस में होंगे, पेडिसेल पार्ट पर पाए जाते हैं। और पूछ ले कभी बहुखंडी पार्ट इसमें कौन सा होगा, जिसमें एक से ज़्यादा खंड होते हैं, तो वो आपका फ्लैजिलम होता है, जो कि कई सारे फ्लैजिलोमियर से मिलकर के ये बना होता है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन दिया गया, पुरानी त्वचा छोड़ने के साथ साथ नई त्वचा का निर्माण कहलाता है। ऑप्शन है इनस्टार, मोल्टिंग, एपोलाइसिस और स्टोमोडियम स्टेडियम। तो जो पुरानी त्वचा के साथ नई त्वचा का निर्माण करना कहलाता है वो मोल्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, आर्थ्रोपोडिन, स्क्लेरोटिन और रेजिलिन। तो आर्थ्रोपोडिन जो प्रोटीन होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कीटों में। इसके बाद अगला है, कीटों की पृष्ठ सतह पर पाई जाने वाली क्यूटिकल को कहा जाता है। ऑप्शन है टर्जाइड, प्लूराइट, स्टरनाइट और इपिडर्मिस। तो जो इंसेक्ट होते हैं इसमें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर तीन जो सतह होती हैं, पहली होती है डार्सल सरफेस यानी जो ऊपरी सतह है, दूसरी होती है यहाँ पर लेटरल सरफेस यानी जो साइड वाली सतह है, और एक होती है वेंट्रल सरफेस जिधर इसका उदर होता है। तो तीन सरफेस पाई जाती हैं और तीनों सरफेस पर अलग अलग टाइप के जो स्क्लेराइड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो डार्सल सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, यानी पृष्ठ सतह को टर्जाइट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, टर्जाइट, या फिर नोटम भी कभी कभी दिया हुआ मिले तो वो भी आपका सही होगा। अगर लैटरल साइड से पूछता है कभी तो वहाँ पर लैटरल में आपका प्लूराइट्स टाइप की होंगी, अगर कभी वेंट्रल साइड पूछ ले तो वो स्टरनाइट टाइप जो स्क्लेराइड्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टरनाइट वेंट्रल साइड को। तो यहाँ पर आपको तीनों में ध्यान रखना, डार्सल में टर्जाइट नोटम और लैटरल में प्लूराइट और वेंट्रल में यहाँ पर स्टरनाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंटिडिकुल में सम्मिलित है। ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई, प्रेइंग मैंटिस, ड्रैगन फ्लाई और हाउस फ्लाई। तो जो मैंटिडिकुल होता है इसमें प्रेइंग मैंटिस पाए जाते हैं यानी जो शिकारी मैंटिस होते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला है, कीटों के पंखों में पंख सिराओं की संख्या होती है। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 10। तो जो कीटों में पंखों में पंख सिराओं की संख्या होती है वो होती है 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम कीट का गण है। ऑप्शन है आर्थ्रोप्टेरा, डिप्टेरा, लेप्टोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। तो यहाँ पर जो आपका रेशम कीट का गण होता है वो लेप्टोप्टेरा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पायरेला सम्मिलित है। तो जो पायरेला कीट होते हैं वो किस फैमिली में आते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉक्सिडी, लोफोफिडी और एफिडीडी और एल्यूरोडीडी। तो यहाँ पर जो पायरेला होता है वो लोफोडीडी में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा लोफोडीडी अगर ना दे करके कभी फल्गोरीडी दिया रहे तो वो भी आपका सही होगा, क्योंकि जो शुगर के लीफ हॉपर यानी जिसको हम पायरेला परपसिल्ला कहते हैं वो आपका लोफोफिडी में आता है। इसके अलावा जो कॉक्सिडी फैमिली होती है, जो कॉक्सिडी फैमिली होती है इसमें मैंगो मिली बग आते हैं। इसके अलावा अगर पूछ ले एम्फीडीडी में तो इसमें जो एफिडीडी में तो इसमें एफिड्स आते हैं, और जो एल्यूरोडीडी है इसमें शुगर केन वाइट फ्लाई और जो काटन वाइट फ्लाई होती हैं वो एल्यूरोडीडी में पाई जाती हैं। और ये सभी फैमिली हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंख सिराएँ किसमें अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन है फोर विंग ऑफ बग, फोर विंग ऑफ बीटल, बीटल्स, हाइंड विंग ऑफ बीटल्स, फोर विंग ऑफ ग्रासहॉपर। तो जो पंख सिराएँ होती हैं जिसमें लेदरी या इलेक्ट्रा टाइप के पंख पाए जाते हैं जो कि फोर विंग्स ऑफ बीटल्स के पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। इसके अलावा हाइंड विंग क्या होते हैं, इसमें मेम्ब्रेनस होते हैं जो कि उसके फोर विंग्स के नीचे वो ढके हुए पाए जाते हैं। कभी देखो अभी बीटल्स के तो उसके ऊपरी पार्ट जो पंख होते हैं वो काफ़ी वहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं जिसमें पंख सिराएं अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दीमक की अपरिपक्व अवस्था कहलाती है। ऑप्शन है निम्फ, लार्वी, एडल्ट कैटरपिलर और ग्रब। तो जो दीमक की अपरिपक्व अवस्था यानी इमेच्योर स्टेज कहलाती वो होती है निम्फ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, टिड्डा में पिनिंग है तो जो अंग प्रयुक्त करते हैं वो कहलाता है। ऑप्शन है प्रोनोटम, स्कुटेलम, मेटानोटम और थोरिक्स।
तो जो टिड्डा होते हैं, ग्रास हॉपर होते हैं, उसमें जब हम पिनिंग करते हैं यानी उनको जब हमें प्रिजर्व करना होता है, तो उसके लिए जो पिनिंग किया जाता है तो वो प्रोनोटम पर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर स्कुटेलम से पूछ ले कि स्कुटेलम में किस में हम करते हैं, तो इसमें आपके जो प्लांट बग और हॉपर्स आते हैं उसमें किया जाता है। और मेटानोटम में किस में किया जाता है, जो फास्मिडा में आते हैं आपके स्टिकी इंसेक्ट उसमें किया जाता है मेटानोटम पर पिनिंग। अगर आपसे थोरेक्स में पूछ ले तो थोरेक्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स में हम पिनिंग करते हैं, जैसे बी हो गई, आंट है, वेप्स है, कॉकरोच है, मैंटिस है, और बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है, इन सब में हम थोरेक्स रीजन में, जो थोरेक्स होता है वहाँ पर पिनिंग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कॉर्निकल्स किस में पाए जाते हैं। तो कॉर्निकल्स ऑप्शन है ए, मॉथ, एफिड, बटरफ्लाई और बग्स। तो जो कॉर्निकल्स होते हैं वो यहाँ पर किस में पाए जाते हैं, एफिड्स में पाए जाते हैं, जो कि एब्डोमेन पर उपस्थित होते हैं और ये पचवें या फिर छठवें एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाए जाते हैं और एक नलिकाकार संरचना में होते हैं। इनकी संख्या वन पेयर्स यानी एक जोड़ी होती है। इसके बाद अगला है, कीटों के खून का रंग होता है रेड, ब्लू, ग्रीन या फिर ब्लैक। तो जो कीटों का रंग, खून का रंग होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। इसके अलावा येलोइस भी देखने को मिलता है, हल्का पीला भी होता है और ये एसिडिक नेचर का पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भ्रूण की गैस्ट्रुला अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन है मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म और सेमेंटल लेयर। तो जो भ्रूण की गैस्ट्रुला फेज होती, अवस्था होती है, स्टेज होती है, उसमें मेसोडर्म, एंडोडर्म और इक्टोडर्म, ये तीनों यहाँ पर अवस्था, स्टेज या स्तर होते हैं, लेयर पाई जाती हैं। सेमेंट लेयर वहाँ पर अनुपस्थित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अन्य प्राणियों के समान कीटों में भी सामान्य रूप से तंत्रिका तंत्र के मूल घटक होते हैं, जैसे ऑप्शन है डेंड्राइट, न्यूरॉन, एक्सॉन और नर्व सेल। तो इसमें आपके न्यूरॉन्स होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दूर संकेतों का संचालन करने और मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले न्यूरॉन्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन और सेंस न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दूर संकेतों को संचालन करने के लिए मांसपेशियों और ग्रंथियों को उससे उत्तेजित करने के लिए मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका काइटिन उपस्थित होता है। ऑप्शन है इंडोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और इपिक्यूटिकल। तो जो काइटिन होता है वो अनुपस्थित होता है आपके इपिक्यूटिकल में, क्योंकि एक क्यूटिकुला जो लेयर होती है उसमें इपिक्यूटिकल है, फिर एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल, ये तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो इपिक्यूटिकल होती है इसमें काइटिन नहीं पाई जाती है, ये इस पे वैक्स होती है, पॉलीफिनाल लेयर और सेमेंट लेयर, क्यूटिकुलर लेयर, ये इनसे मिलकर के ये बनी होती है। इसके बाद जो इंडोक्यूटिकल होती है ये काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है, और जो एक्सोक्यूटिकल होती है ये भी काइटिन और प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ये भी प्लस प्रोटीन, काइटिन और प्रोटीन की, इंडो और इक्सो, और इन दोनों लेयर को मिला करके हम प्रोक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ ले प्रोक्यूटिकल क्या है, तो इक्सो और इंडोक्यूटिकल के सम्मिलित रूप से जो लेयर होती है उसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, और ये प्रोक्यूटिकल काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है, और यहाँ पर काइटिन एपिक्यूटिकल में नहीं पाई जाती। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अरैकनिड नहीं है। ऑप्शन है माइट्स, टिक्स, स्पाइडर और आंट्स। तो जो एराकनिडिया में आते हैं, माइट्स हैं, टिक्स हैं, स्पाइडर हैं, ये सभी आते हैं, जो स्कॉर्पियन होते हैं वो भी आते हैं, आंट नहीं आता। ये आपका, तो ये आपके इंसेक्टा में आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीट पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, अरैकनिडा, मोलस्का और एनेलिडा। तो कीट किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। सबसे बड़ा जो कि फाइलम है पृथ्वी पर, जो भी जीव पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा का होता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट किसानों के लिए लाभकारी है। तो इसमें ऑप्शन है मिलीपीड, सेंटीपीड्स, माइट्स और ग्रास हॉपर।
तो किसानों के लिए सेंटीपीड से यहाँ पर लाभकारी इंसेक्ट्स होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे बड़ा संघ है, ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सिनेडेरिया, एनिलिडा। सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है, अभी बताया हमने, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1916 लखनऊ, 1916 कोलकाता, 1916 दिल्ली, 1916 हैदराबाद। तो ये कोलकाता में हुई थी 1916 में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पूछ रहा, तो 1916 में कोलकाता में हुई थी। इसके बाद अगला है, गण कोलियोप्टेरा के लार्वा को कहते हैं, जो कोलियोप्टेरा के लार्वा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हम ग्रब के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा मैगट अगर पूछ ले, तो ये आपके डिप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उसको मैगट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो लेप्टोप्टेरा के लार्वा होते हैं उनको हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों में न्यूरॉन्स बनी होती हैं, कीटों में जो न्यूरॉन होती है किसमें किसके किसके ओरिजिन से बनी होती हैं? इंडोडर्मल सेल की, या एक्टोडर्मल, या मीजोडर्मल, या फिर नर्व सेल। तो इसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक्टोडर्मल सेल होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला है, कीटों की तंत्रिका की विशेषता होती है, ऑप्शन है यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, नाना दबब। तो जो कीटों में नर्व सेल होती है, मोस्टली अगर इंसेक्ट में देखा जाए तो वो यूनिपोलर टाइप की पाई जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिनेप्स जंक्शन है, तो सिनेप्स जंक्शन क्या है? ये गैंग्लिया, नर्व सेल, या न्यूरॉन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर न्यूरॉन्स होती हैं दूसरे एक दूसरे सेल से जुड़ी होती हैं, तो सिनेप्स जंक्शन बनाती हैं वहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला है, आर्थ्रोपोडा समुदाय के कीटों में हृदय उपस्थित होता है, ऑप्शन है डार्सल साइड, वेंट्रल साइड, लैटरल साइड, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आर्थ्रोपोडा जो समुदाय होता है इसमें हृदय कहाँ पाया जाता है? तो वो डार्सल साइड में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शुक्रवाहिनी पाई जाती हैं, तो शुक्रवाहिनी कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है मेल आर्गन, फीमेल आर्गन, मेल एंड फीमेल बोथ, या फिर नॉन ऑफ द बोथ। तो जो शुक्रवाहिनी होती हैं वो मेल आर्गन्स में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको आपका ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आर्थ्रोपोड्स ओवरियोल्स की पोषक कोशिकाएँ प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक अंडाशय के शीर्ष पर एकत्रित होती जो कहलाती हैं। अगर शीर्ष पर पाई जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है मीरोस्टिक, पेनोस्टिक, पॉलीट्रॉफिक और एक्रोट्रॉफिक। तो जो एक्रोट्रॉफिक इसको बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर ये जो एक्रोट्रॉफिक कंडीशन पाई जाती है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, अगर पेनियोस्टिक पूछ ले कभी, तो ये न्यूट्रेटिव सेल्स इसमें अब्सेंट होती हैं। अगर पूछ ले किसमें पोषक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो वो आपके ग्रास हॉपर में नहीं पाई जाती हैं, इसमें एब्सेंट होती हैं। तो इस टाइप का जो अंडाशय होता है उसको हम पेनियोस्टिक टाइप का बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पुच्छीय श्वास नली उपस्थित होती है, तो ऑप्शन है मेफ्लाई, वाटर स्कॉर्पियन, किंग क्रैब्स और मैराइन माइट्स। जो पुच्छीय श्वास नली होती हैं वाटर स्कॉर्पियन में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होता होगा। इसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, फिल्टर चैम्बर मौजूद होते हैं आर्थोपटेरा में, डिप्टेरा में, होमोपटेरा में और आइसोपटेरा में। तो यहाँ पर जो फिल्टर चैम्बर होते हैं वो होमोपटेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप भक्षी लार्वी कीट समुदाय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, जो यानी पादप भक्षण करने वाले लार्वा होते हैं, इसमें ऑप्शन है इन्वर्टेज, माल्टेज, एमाइलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पादप भक्षी लार्वी कीट होते हैं इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें इन्वर्टेज भी होता है, माल्टेज भी होता है, एमाइलेज भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद अगला है, कीट के प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रचुर ऋणायन है, तो इसमें कौन सा ऋणायन सबसे ज़्यादा कीट के प्लाज्मा में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन है क्लोरीन और सोडियम पोटेशियम बोथ है एंड बी। तो इसमें जो क्लोरीन है यही निगेटिव, क्योंकि Cl- बाकी सोडियम Na+ और पोटेशियम
पोटेशियम जिसको के प्लस के नाम से जानते हैं, तो इसमें ऋणायन तो आपका क्लोरीन है, तो इसमें यही अधिक मात्रा पाया जाता है जिसको जिसमें आपका विटामिन जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रक्त कोशिकाओं में कौन सी रक्त कोशिका उत्सर्जन में सहायक होती है, तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स, पोडोसाइट्स, स्फेरुल सेल और स्पिंडल सेल। तो जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये उत्सर्जन में सहायक होती हैं, तो ये पोडोसाइट्स होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर राइस गंधीबग, मैंगोलीफापर, नजारावग और बोथ ए एंड सी। तो इसमें जो राइस गंधीबग है और नजरावग, तो ये दोनों में पाई जाती हैं, इसको हम बदबूदार इंसेक्ट्स भी कहते हैं, तो ये दोनों में होती हैं, तो ए एंड सी इसमें जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कीटों को मारने बेहोश करने में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोरोफार्म, बेंजीन, एथिलीन एसीटेट, तो ये आला दव। तो इसमें कीटों को मारने और बेहोश करने में क्लोरोफार्म भी प्रयोग करते हैं, बेंजीन और एथिलीन एसीटेट, तो इसमें आला दव ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला है, अग्रवच्छित ग्रंथ उत्पन्न करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्डिसोन, मोल्टिंग फ्लूड, मोल्टिंग हार्मोन्स या फिर प्लाज्मा। तो जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स होती हैं वो एक्डिसोन हार्मोन्स उत्पादित करती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये जो एक्डिसोन हार्मोन्स होता है ये मोल्टिंग को मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको हम मोल्टिंग हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक्डिसोन हार्मोन्स वाला जो ऑप्शन है ये सही किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों में पाई जाने वाली निम्नलिखित रक्त कोशिकाओं में कौन सी अम्लीय रक्त कोशिका है, ऑप्शन है यहाँ पर प्लाज्मेटोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, स्पिंडल सेल और प्रोलिकोसाइट। तो ये जो प्लाज्मेटोसाइट्स होती हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला है, कीटों को संरक्षित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन है 70% एथिल एल्कोहल प्लस 4% फार्मलिन, 70% एथिल एल्कोहल प्लस 2% फार्मलिन, 70% एथिल एल्को एसीटेट प्लस 2% फार्मलिन और 70% अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 4% फार्मलिन। तो इसमें 70% एथिल एल्कोहल और 4% फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है, कभी 5% भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में दिए गए गणों में से किस गण में ओइनोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो ऑप्शन है हेमनोप्टेरा, क्वार्थोप्टेरा और आइसोप्टेरा और डिप्टेरा। तो जो ओइनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो आइसोप्टेरा में नहीं पाई जाती, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कीट प्रकाश पसंद नहीं करता है, तो ऑप्शन है एफिड हैं, ग्रास हॉपर हैं, टर्माइट्स हैं और आंट्स। तो इसमें जो टर्माइट्स होता है ये प्रकाश को पसंद नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।